दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला, मैं खेलती इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले एक मुहिम चलाई जा रही है, जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, एक फार्मेसी सहायक पद का प्रयास करना कि सरकार से निवेदन किया जा रहा है, एक फार्मेसी सहायक पद क्रिएट किया जाए, पद को सृजित किया जाए, जिससे इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, एनआईसीयू, पीक्यू, डायलिसिस यूनिट, हॉस्पिटल का कोई भी कोना हो, वहाँ दवा सिर्फ फार्मासिस्ट के हाथों ही दिलाई जाए। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे, फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर से लेके वार्ड तक मरीज को दवा देने तक इन्वॉल्व रहे। इससे पेशेंट की सेफ्टी भी होगी और मृत्यु दर भी कम होगी, और दवा का रख रखाव भी अच्छी तरीके, उसके साइड इफेक्ट भी कम आएंगे। दोस्तों, NABH भी यही में है कि क्वालिटी ऑफ केयर मरीज को पहुंचाया जाए और पेशेंट सेफ्टी को हैम्पर ना किया जाए। पेशेंट से रिलेटेड NABH में 5 चैप्टर हैं, जिसमें पेशेंट सेंटर, एक्सेस असेसमेंट, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, केयर ऑफ पेशेंट, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, पेशेंट राइट एजुकेशन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। और डिफार्मा के फर्स्ट ईयर में भी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी एंड ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। और डिफार्मा के सेकेंड ईयर में दोस्तों 2 सेमेस्टर होते हैं, इसमें भी 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी एक फार्मासिस्ट को दवा क्यों नहीं देने दिया जाता, उसको मेडिकल स्टोर तक क्यों सीमित किया गया है? डिफार्मा के सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोग्नोजी, टॉक्सोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, ये इतने सारे सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं नर्सिंग वाले पढ़ाई मरीज देखभाल की करते हैं, उन्हें वो अधिकार दिया गया। OT वाले ऑपरेशन सहाय की पढ़ाई करते हैं, उन्हें भी वो अधिकार दिया गया। टेक्नीशियन मशीनों को चलाने और उसके रखरखाव की पढ़ाई करता है, उन्हें भी वह अधिकार मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी व्यक्ति रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मेशन नहीं करता। एक फार्मासिस्ट ही है जो दवा बनाने से लेकर दवा देने तक इन्वॉल्व रहता है। तो दो फार्मासिस्ट जब इतनी पढ़ाई करता है तो उसको क्यों सरकार उसकी मतलब निंदा करती, उसकी अहलना करती, उसको क्यों उसकी नौकरी पोस्ट नहीं करती कि उसको भी अधिकार मिले? दवा देने का अधिकार सिर्फ फार्मासिस्ट का ही है, चाहे वो वार्ड हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे ICU, कहीं भी हो। पेशेंट की सेफ्टी, सुरक्षा का भी ध्यान रहे, इससे पेशेंट का खर्चा भी कम आएगा, साइड इफेक्ट भी कम होंगे, और दवाओं से जो मौतें होती हैं वो भी कम होंगी। हॉस्पिटल खर्चा भी कम आएगा, जो दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं वो भी कम होंगी। एक फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग, डिस्पेंसिंग, फार्मुलेशन, पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट केयर, पेशेंट एडवाइस आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन स्टोरेज, मेडिसिन रिकॉर्ड, इन्वेंट्री, सारे काम करता है, लेकिन तब भी उसे दवा नहीं दिलाई जाती। दवा OT वाले, नर्सिंग वाले और टेक्नीशियन, ये सब दवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सब दवा देंगे जो उसकी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो कैसे पेशेंट की सुरक्षा होगी, साइड इफेक्ट होगा और मौतें होंगी? दोस्तों, अगर एक फार्मेसी सहायक की पोस्ट हॉस्पिटल के हर विभाग में कर दी जाए, तो इससे जो OT वाले हैं, नर्सिंग वाले हैं, टेक्नीशियन हैं, इन सब की काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये लोग, इनके पास इनका अपना ही काम इतना होता है कि वो मेडिसिन कैसे दे पाएंगे। ओवर वर्कलोड होता है दोस्तों, हॉस्पिटल वाले पैसा बचत करने के चक्कर में सारा काम इन्हीं से कराते हैं। दोस्तों, एक फार्मेसी सहायक वहाँ रख दिया जाएगा तो मेडिसिन का रखरखाव करेगा, मेडिसिन को मरीज को सही तरीके से देगा, और मेडिसिन भी सही तरीके से काम करेगी दोस्तों, और रिकवरी भी मरीज की जल्दी से जल्दी होगी, जिससे मरीज जल्दी रिकवरी करेगा, उसका हॉस्पिटल खर्च भी आएगा, कम आएगा, और वो अपने घर जल्द से जल्द जाएगा, उसके चेहरे पे खुशहाली भी होगी, और नर्सिंग, OT और टेक्नीशियन सभी भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनका वर्कलोड कम हो जाएगा और वो अपने काम को और बखूबी कर सकेंगे। जैसे क्वालिटी ऑफ केयर हम लोग मरीजों को दे पाएंगे, हमारा हॉस्पिटल भी दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा। दोस्तों, हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री
श्री योगी जी से निवेदन करते हैं, एक फार्मेसी सहायक पद क्रिएट करके देश और जनता को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कराएं। जैसे NABH कहता है कि पेशेंट की सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए फार्मेसी सहायक हॉस्पिटल के हर कोने में जहां मेडिसिन प्रयोग की जाती है, वो चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे वार्ड हो, चाहे ICU हो, सब जगह फार्मेसी सहायक के लिए पोस्ट करके सभी फार्मासिस्टों को पोस्ट कर दिया जाए। ये पद को हम निवेदन करेंगे, राज्य सरकार से सृजित करें और सभी फार्मासिस्टों की वहाँ पोस्टिंग करें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद सरकार का। दोस्तों, अगर वीडियो में मेहनत अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और देश के हर कोने कोने तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इससे हमारा योगदान हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।